दोस्तों अमरनाथ गद्दार है, बेईमान है, एक नंबर का झूठा है और मालती चौहान के पैसे, मेहनत की पैसे और युवराज के हक का पैसे लेके वो गाड़ी ले रहा है, घर बना रहा है और गोरखपुरिया भी कम हरम पानी नहीं दिखा रही है। मालती चौहान के पैसे लेके घर बना रही है और राधा राज तो सबसे बड़ी होशियारा चलाक निकली जो घर बना के उसके बाद दिखाई है जो हम घर बनाए हैं। ये आखिर सब मालती का पैसे लेके ही लोग घर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी श्यामलक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त दोस्तों रहना भी चाहिए और भगवान कृपा से। और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आए हैं, नया चेहरा को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और फुल वीडियो दोस्तों वाच करिए। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जो प्लीज़ वीडियो के स्किप बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसा कुल्लू ऐसा पॉइंट लेके आई हूँ जो आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू, ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि अमरनाथ एक नंबर का बेईमान है, झूठा है, गद्दार है और मालती भाभी की पैसे लेके, मेहनत की पैसे लेके, मरे हुए पैसे खा के घटौला करना चाहता है, युवराज का हक छीन के ये घर बना रहा है, गाड़ी ले रहा है और दूसरे को ये गुमराह कर रहा है। और गोरखपुरिया भौजी भी कम नहीं निकली, जितना हम सोचे थे उससे भी कई जना चलाक निकली है। राधा राज भी सब मालती चौहान के पैसे लेके घर बना रहे हैं ये लोग। ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, छोटे छोटे यूट्यूबर को सबको गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का ऐसा कुछ मिलेगा देखने के लिए जो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर की बात दोस्तों और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो अमरनाथ भैया कल वीडियो डाले हैं उस वीडियो में बता रहे हैं जो मेरे मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है, कुछ हमारे यूट्यूब का पैसा है, उससे हम घर बना रहे हैं। ओके, और हम किसी का पैसा खाते नहीं हैं, हमारे संस्कार ऐसा नहीं है, तो हम उल्टे किसी को दे देते हैं, हम पैसे खाते नहीं हैं। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जो आप 10 दिन कहाँ गायब थे, 1 सप्ताह कहाँ गायब थे, यूट्यूब का पेमेंट 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में आता है, कल आपने दिया है 50,000 रुपये जाके 5 तारीख को, तो इतने दिन आप कहाँ गायब थे? आपका मन में कुछ ना कुछ घोटाला करने का मन था, पैसे बचाने का मन था, सब अगर वीडियो बनाने लगे इसके बाद आप जाके 50,000 रुपये दिए हैं, वो भी पूरे पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। और जब अलका दीदी से बात हुई थी तो आप फ़ोन पर बोले थे जो आप 100 की सीधी बात मानिए, जो हम पैसे किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, फिर भी जब वीडियो सब बनाने लगे तब आप सोचे जो पचने वाला नहीं है, तो आप जाके 50,000 रुपये कल के डेट में दिए हैं, उसके बाद आप वीडियो बनाए हैं। और दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं जो गोरखपुरिया भी तो मालती चौहान के पैसे लेके घर बना रही है, राधा राज भी तो घर बना रही है, कुछ लोगों इसलिए वो कह रहे हैं अमरनाथ को डायरेक्ट सब क्यों बोल रहे हैं, तो अमरनाथ को इसलिए सब बोल रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी अपनी मेहनत करके उसे इंसाफ दिलाने के लिए गई थी तो इसमें व्यूज कमाई थी तो घर बना रही है, और राधा राज अपनी इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ गई थी तो इसीलिए अपना घर बना रही है, तो तुम्हें क्यों जलन मच रही है? अब बात रही जो अमरनाथ पर सब क्यों वीडियो बना रहा है, इसलिए जो किसी के अकाउंट से मालती चौहान के जैसे किसी के अकाउंट से लिंक नहीं था, अमरनाथ के भैया से ही लिंक था, वो 10 दिन कहाँ गायब थे? जब इतना गाली सुनने के बाद आप 50,000 रुपये जाके दिए हो, इससे पहले क्यों नहीं दिए हो? आपका और मान सम्मान बढ़ जाता। और दूसरी बात भैया, हम जानते हैं जो आप सच बोलते हैं और हालांकि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी माँ भी बहुत सीधी सादी है आंटी जी, अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ अमरनाथ के भैया के वीडियो में जो कल वीडियो डाले हैं उस वीडियो में आप लोग जाइए और गौर से ये चीज़ देखिए जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो कल जो भैया वीडियो बना रहे थे
थोड़ी ठंड है ना दोस्तों, तो मेरी हाथ हिल रही है। कल जो वीडियो बनाए थे भैया, तो उस वीडियो में देखिए जो प्रिया बैठी है और आंटी जी ऊपर बैठी है एक बच्चा को लेके, और अमरनाथ भैया शूट कर रहे हैं और बता रहे हैं जो हम ऐसे नहीं हैं। तो इस वीडियो में गौर से देखिए, प्रिया लकड़ी वाला जिसमें आग लगी है वो लकड़ी वाला डंडा सब पब्लिक को दिखा रही है, आप गौर से देखिए। फिर अमरनाथ की माँ जो है आंटी जी, वो डंटे हाथ से छीन के नीचे रखी है। आप इस वीडियो पे आप लोग फोकस करिएगा जाके, और उसके बाद ऐसे ऐसे कर रही है, इसका मतलब क्या है? 10 दिन जो आप गायब थे तो सब पब्लिक तो आवाज़ उठाएंगे ही ना कि वो तो किसी का हक का पैसा था ना। इसका मतलब आप सबको लकड़ी लेके दिखा रहे हैं, आग वाली लकड़ी जो सबको मुंह में ठूस देंगे, और फिर बोलते हैं दोस्तों जो हमें आप लोग सपोर्ट करिए, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, हम ये आपको नहीं बोल रहे हैं, हम भी आपका वीडियो देखते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, एक्टिंग बहुत अच्छी आप करती हो, लेकिन आप ये लकड़ी उठा के दिखा रही हो सब पब्लिक को, आपकी सासू जी छीन के नीचे रखी है। आप लोग जाके दोस्तों फोकस करिए, और उसके बाद दोस्तों मेरे वीडियो पर आप लोग कॉमेंट करिए जो मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। और दोस्तों एक लेडीज जो थी जो बार बार वो भौंक रही थी, सबको धमकी दे रही थी, और मैंने उसका चैनल को प्रमोशन कर दिया है, आप लोग जाके उसके चैनल पे वीडियो देखिए, सबको बोल रही है जो हम FIR करवा देंगे, आधार कार्ड भेज हम तुम्हें FIR कराएंगे, और इतने और बोल रही है हम सबको अन्याय दिलाते हैं, ये दिलाते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बोल दूँ जो तुझे तो बोलने का ढंग नहीं है, अगर तू नीचे साइड सूसू करेगी कि ऊपर साइड सूसू करेगी ये तुझे नहीं पता है, और दूसरे को इंसाफ दिलाने के लिए चली है, और गाली दे रही है एक औरत को जितना सुहाग मर जाएगा ये मर जाएगा। अब तुम्हारे पे सब वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे वीडियो डाउनलोड कर करके अब जो तुम इतना गाली दे रही हो तो वो तो सब सुनेंगे ना, अब तुझे पता चलेगा जो सिर्फ, क्योंकि इसके पास तो दोस्तों कोई मैटर था नहीं, सिर्फ गोरखप्रिया भौजी के नाम पे ये वीडियो बनाती थी, उसके बाद जो इस पर कॉमेंट करते हैं उसको भी ये गाली देती है, बस ये गाली से ही वीडियो को शुरुआत करती है। अब आएगा ना मजा, अब सब जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हमने तुम्हें वीडियो बना के तुम्हारे बोले थे जो गाली गलौज मत करो, तुम्हें लाख भलाई सब गाली दे, लेकिन तुम्हारा पोस्ट नहीं है गाली देने का, क्योंकि तुम एक इंसाफ दिलाने के लिए चली हो, तो अपना वीडियो बनाओ, पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पे सब देखती है, सबको सब गाली देते हैं, लेकिन इस अभद्र तरीका से नहीं, हम तुम्हें बाझिन हो, अपराधी हो, पापी हो, ये हो, तेरा कोंक सुनी हो जाएगा, तेरा सुहाग मर जाएगा, एक औरत को औरत होके इस तरह को गाली नहीं देना चाहिए किसी को भी, लेकिन आप नहीं, सबको बोल रहे हैं रे कुतिया टोनी टोनका है, नीच है, सुगर है, बताओ गाली तो इनसे सीखिए दोस्तों, गाली से ही एक आवाज़ मुंह से निकालती है, सिर्फ गाली से ही करती है। दोस्तों प्यारा प्यारा कमेंट करके मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई सोच लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।